नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। भारत के लिए कतर से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की याचिका को कतर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कतर की कोर्ट जल्द ही उनकी अपील पर सुनवाई कर सकती है। बता दें कि नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को कतर की कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने यह याचिका दायर की है। कतर की अदालत ने 23 नवंबर 2023 को इसे स्वीकार कर लिया और अपील का अध्ययन कर जल्द ही इस पर सुनवाई करेगी। बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर कतर में दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2022 में इन सभी को गिरफ्तार किया गया। कतर की सरकार ने नौसेना के पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है। बीती 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने इन पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुना दी। बता दें, गौरतलब है कि गिरफ्तारी के कई दिनों तक इस मामले को गुप्त रखा गया और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। 1 अक्टूबर 2022 को दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने इन पूर्व अफसरों से मुलाकात की। 3 अक्टूबर 2022 को पहला काउंसलर एक्सेस दिया गया। 25 मार्च 2023 को सभी 8 अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए गए और 29 मार्च से मुकदमा शुरू हो गया। 26 अक्टूबर 2023 को सभी को मौत की सजा सुनाई गई। नौसेना के जिन पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा सुना दी गई है, उसमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वरिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पुणेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनाकर पंकाला, बता दें कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल हैं। जिस कंपनी दोहरा ग्लोबल के लिए यह भारतीय काम करते थे, उसके सीईओ खमील अल आजमी ओमान एयरफोर्स के अफसर रह चुके हैं। आजमी को भी पहले हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। बता दें कि जिस तरीके से भारत के इन पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, कहीं न कहीं कतर की कोर्ट ने अब उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और कतर की कोर्ट अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकती है और जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। बता दें कि जिस तरीके से कतर की कोर्ट में इन 8 अफसरों को फैसला सुनाया गया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसको लेकर भारत में भी खूब सियासत गरमाती नजर आ रही थी। विपक्ष लगातार भारतीय सरकार को घेरता नजर आ रहा था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नई आवाज के साथ।